हे गाइस, कैसे हो सब लोग? यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले लेट हो गया मैं। आज का लास्ट डे है और अभी वीडियो मेरी सुबह तक आनी चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, इसकी वजह से मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं वीडियो नहीं बना सका। यहाँ पर बहुत से लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं, उसका क्लियरिफिकेशन देना चाहते हो। और प्रीपेड का 10% का जो डिस्काउंट मिल रहा है, उन सभी का सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। जो आपके जो डाउट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज का लास्ट डे है फ्लिपकार्ट बिग बिलियंस का, और यहाँ पर अमेज़ॉन का कल का है, तो अमेज़ॉन के लिए कल के वीडियो आएंगे, लेकिन फ्लिपकार्ट के लिए आज मैं जो फ्लिपकार्ट कस्टमर्स है उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं कुछ बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले बात बता दूँ कि प्रीपेड डिस्काउंट क्या होता है। प्रीपेड डिस्काउंट क्या होता है? प्रीपेड मतलब जो होता है जब हम एडवांस में किसी चीज़ के लिए पेमेंट करते हो, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करते हो हम, उसी तरह मोबाइल का पहले पेमेंट करते फिर यूज़ करते, उसी तरह हम जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट कर रहे हैं उसे प्रीपेड कहना जा रहा है। और अगर कुछ लोग कहेंगे भाई नेट बैंकिंग भी प्रीपेड में आती है, तो ठीक बात है, आती तो है, लेकिन यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने उन चीज़ों के लिए यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया है। आपके पास SBI का नेट बैंकिंग होगा तो उसे यूज़ मत करना, बार बार यही बात कर रहा हूँ मैं, उसे यूज़ मत करना। आपको SBI का जो है क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। SBI का जो क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट है, फ्लिपकार्ट के जो भी प्रोडक्ट है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, TV, कपड़े वपड़े सब कुछ उसी पर आपको मिल जाएगा। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू उसकी 3,000 के ऊपर होनी चाहिए अगर SBI का क्रेडिट कार्ड है। और डेबिट कार्ड की अगर बात की जाए तो प्रीपेड वाला जो डिस्काउंट मैं बता रहा हूँ उसका जो 10% है सिर्फ मोबाइल पर मिल रहा है आपको। जैसा कि मोबाइल का सेक्शन ओपन कर लेता हूँ, हमें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है SBI कार्ड का 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन क्रेडिट कार्ड प्लस 10% ऑफ ऑल बैंक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। अभी ये ऑल बैंक के लिए नहीं है, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन छोटा सा स्टार्स यहाँ पर ऑन सिलेक्टेड मॉडल्स छोटे से अक्षर में यहाँ पर लिखा होता है। काफ़ी मिसगाइड करते हैं लोग हमें, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें चेक करना है कि किस पर दोनों डिस्काउंट मिलेगा, किस पर एक डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और एक बात बता दूँ कि ऑल मॉडल्स तो यहाँ पर सिलेक्टेड मॉडल्स पे 10% का इंस्टेंट मतलब प्रीपेड वाला डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है जो बैंक से ये बता रहे हैं प्रीपेड ट्रांजेक्शन के लिए, प्रीपेड ट्रांजेक्शन के लिए जो ये बैंक बता रहे हैं, अभी जो लिस्ट मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई भी बैंक का आपके पास डेबिट या क्रेडिट दो में से कोई भी कार्ड होगा चल जाएगा। अगर आपको वो बैंक नो कॉस्ट EMI या कुछ EMI की सर्विस दे रहा है तो उस पर भी आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप EMI पर लोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, EMI पे भी लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डेबिट कार्ड का आपका EMI सिस्टम होगा तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अभी बात करते हैं किन किन लोगों को यहाँ पर जो 10% डिस्काउंट मिल रहा है और किन लोगों को 10+10 मिलेगा। Redmi 8A जो फ़ोन है, जैसे कि फ़ोन हमें बता रहा है, अभी ये देख सकते हैं आप यहाँ पर धोखाधड़ी वाली बात है। कुछ लोगों को मैंने एक दिन पहले बताया कि SBI का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मैंने प्रूफ शो किया था। अभी यहाँ पर SBI का क्रेडिट कार्ड का भी डिस्काउंट जा चुका है, पता नहीं ये क्या कर रहा है। अगर दूसरे फ़ोन की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास दूसरे फ़ोन से इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो, अभी ये भी यहाँ पर इस पर भी कुछ ऑफर्स नहीं बता रहे। और बाकी के फ़ोन से ऐसा नहीं है भाई कि यहाँ पर ये ऑफर चली गए हैं। आज रात को 12 बजे, अभी 13 घंटे बाकी है इसमें, आज रात को 12 बजे सेल बंद होने वाला है। इसके पहले आप इसमें 2-3 घंटे में, 1-1 घंटे में चेक कर सकते हो, ऑफ़र आ सकता है। यहाँ पर ये इनके स्टॉक पर डिपेंड करता है। अगर आप Redmi Note 7S की बात की जाए, एक मैडम ने मुझे कमेंट किया था उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिला कि पता नहीं क्यों नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर उनकी बात की जाए तो 10% इंस्टेंट बैंक SBI पे सिर्फ मिल रहा है, और यहाँ पर और प्रीपेड का डिस्काउंट इस पर भी जा चुका है। कल मैंने इस पर दोनों का डिस्काउंट दिखा था, लेकिन इस पर अभी डिस्काउंट जा चुका है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, रियलमी एक्स और रेडमी नोट 7 प्रो है,
स्पेसशिप चल रहा है अभी, जैसे कि देख रहे हो आप। अगर यहाँ पर बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड हो तो वो भी एक प्रीपेड ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आप उससे पेमेंट करेंगे, एडवांस पेमेंट हो जाएगा, तो आपको 10% का प्रीपेड डिस्काउंट प्लस 10% का SBI क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट दोनों मिल जाएगा, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड हो। अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो सिर्फ आपको 10% का जो है प्रीपेड का, जैसे कि नीचे से ऊपर से 4 नंबर देख रहे हो आप, एडिशनल 10% ऑफ मैक्स डिस्काउंट 1000 ऑन ऑल प्रीपेड ट्रांजेक्शंस। तो इस पे अगर आपका SBI का क्रेडिट कार्ड नहीं है, जैसे कि मैंने 13 बैंक बताइए, मोस्ट ऑफ द फेमस बैंक है, इनका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहीं भी इजीली मिल जाएगा, तो 10% का जो मैक्स डिस्काउंट है इस पे प्रीपेड पे आपको इस पर मिल जाएगा सिर्फ, अगर आपके पास वो कार्ड होगा तो, SBI का क्रेडिट कार्ड होगा तो दोनों मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आई, लाइक कर दो। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं, Realme 5 फोन है तो इस पे भी 10+10 मिल रहा है, अगर SBI का क्रेडिट कार्ड होगा तो दोनों मिल जाएगा, नहीं तो आपके पास डेबिट कार्ड होगा जो बैंक बताइए उनमें से, तो 10% का सिर्फ आपको प्रीपेड डिस्काउंट मिल जाएगा। और कुछ लोगों ने जैसे कि सवाल पूछे थे बैंक ऑफ इंडिया पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो लिस्ट बताइए उनमें से बैंक होना चाहिए, आप में से कोई भी, आप उनमें से कोई भी एक बैंक होना चाहिए, और ऐसे भी कोई फर्तूस बैंक नहीं है भाई, सबकी सब बड़ी बड़ी बैंक है इंडिया में, इनका खाता होता ही है। अगर आपका नसीब इतना खराब है तो कोई बात नहीं है, किसी से बोरो कर लेना, यहाँ पर ये डिस्काउंट छोड़ना नहीं, 1000 रुपये कम नहीं होते भाई। अगर Realme C2 की बात की जाए तो इस पे भी 10+10 नहीं, इस पे 10% नहीं मिल, इस पे जो है सिर्फ यहाँ पर SBI का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट नहीं शो कर रहा है, लेकिन मैं 2 घंटे के बाद नहीं बता सकता, इस पे प्रीपेड का जो है 10% ही बता रहा है, सिर्फ प्रीपेड का डिस्काउंट ही बता रहा है। और यहाँ पर वीवो का Z1 Pro अगर मोबाइल इसकी बात की जाए तो इस पे SBI का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट बता रहा है, इसमें मैंने लास्ट वीडियो बनाया था इस पे 10+10 मिल रहा था, लेकिन अभी से आपके पास एक तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एक तो SBI का ले पाओगे, नहीं तो प्रीपेड का डिस्काउंट दो में से एक ले पाओगे आप। अगर अब दूसरी फ़ोन की बात की जाए, जैसे कि वीवो का Z1X, ये मोबाइल है, इसकी बात की जाए तो 17,000 का ये फ़ोन है, और इस पे 10+10 दोनों में मिल रहा है, तो ऐसे कुछ गड़बड़ी चल रही है। और एक बात बता दूँ, यहाँ पर 60 से 65 मोबाइल है, मैं सबके बारे में नहीं बता सकता किस पे मिल रहा है किस पे नहीं मिल रहा है, और बता भी दूंगा तो 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद फ्लिपकार्ट चेंज कर देता है अपनी पॉलिसी, पता नहीं क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सब सिंपली आपको बता दूँ, कोई भी मोबाइल लेना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है Realme 5 Pro, यहाँ पर अगर ये मोबाइल चाहते हो आप तो आपको सिर्फ ऑफर्स में जाना है, ऑफर्स में जाकर सिर्फ चेक करना है आपको कि यहाँ पर जो चेक करना है, सबसे पहला ऑफर देख लीजिए, अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको 10+10, यहाँ पर जो +10 में दिखा रहा है तो आपको दोनों डिस्काउंट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो आपको जो है, अगर यहाँ पर शो करता है, यहाँ पर जो भी ऑफर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, अगर यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर प्रीपेड ट्रांजेक्शन पे 10% मिल रहा है और SBI क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट अलग दिखा रहा है, प्लस में नहीं दिखा रहा है, तो आपको दो में से एक मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर SBI क्रेडिट कार्ड नहीं दिखा रहा है 10% और प्रीपेड का डिस्काउंट दिखा रहा है 1000 का, तो वो मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ डाउट्स है Poco F1 पे, कुछ लोगों ने मुझे पूछा, तो Poco F1 पे भाई मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट। Poco F1 जो काफ़ी एक बढ़िया फ़ोन है, इस पे मैंने बताया था उसको कि 10+10 मिल गया है, लेकिन क्या करूँ भाई, मैंने अभी उस टाइम की कंडीशन बताकर मैंने यहाँ पर बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर से इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी, और यार 10% सिर्फ SBI क्रेडिट कार्ड पे, और यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर जो प्रीपेड का भी डिस्काउंट अभी नहीं बता रहे लोग, तो ऐसे कुछ यहाँ पर बातें चल रही है। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पर चेक करना, देख लीजिए कि आपको कौन से, यहाँ पर ऑफर में चेक कर लीजिए कि आपको डिस्काउंट कौन सा मिल रहा है, 10+10 होगा तो दोनों मिलेगा,
अगर SBI का क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड का अलग अलग होगा, डिफरेंटली होगा, शो करेगा अगर ऑफर, तो दो में से एक मिल जाएगा। सिर्फ प्रीपेड का होगा तो प्रीपेड का मिल जाएगा। और यहाँ पर पेमेंट का जो मैंने बताया था, पेमेंट में कुछ भी नया नहीं करना है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में लाइव प्रूफ बताया था, वैसे ही आपको जाना है। सिंपल सिंपल ऐड योर डेबिट क्रेडिट कार्ड कर देना, बाय नाउ कर देना, डेबिट क्रेडिट कार्ड कर देना, अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो भी होगा उसे ऐड कर लेना और पेमेंट कर देना। पेमेंट करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपको जो है कैशबैक फैशबैक फ्यूचर में कभी नहीं मिलने वाला। जो भी होगा, जैसे कि 15,000 का फ़ोन है, इस पर अगर 10% SBI का मिल रहा है तो 10% उसी समय माइनस हो जाएंगे, जिसकी कॉस्ट होंगी 1,500 रुपये। और यहाँ पर जो है ये मोबाइल आपको मतलब मिल जाएगा फिर 13,500 रुपये में। उसको आपको 13,500 ही पे करना है। ओके, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। और यहाँ पर अमेज़न की वीडियो कल आएगी। थैंक यू।